सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं पल्सर N160 का एंड एक्सट्रीम 160R का। तो चलो गाइस, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रीम 160R के फ्रंट की। तो इस बाइक में आपको LED DRLs के साथ साथ फुली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं विथ LED इंडिकेटर्स। एंड वहीं बात करें रियर की, तो इस बाइक में आपको ब्लैक स्मोक टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं विथ LED इंडिकेटर्स। तो बाइक दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है पीछे से। एंड वहीं पल्सर की बात करें, तो इस बाइक में आपको LED प्रोजेक्टर विथ 2 DRLs देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस बाइक में आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। एंड वहीं बैक प्रोफाइल की बात करें, तो इस बाइक में आपको LED टेल लैम्प के साथ साथ हेलोजन इंडिकेटर ही देखने को मिलते हैं, पर यह बाइक भी बैक से देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। तो चलो अब बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन की। तो एक्सट्रीम 160R में आपको 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2-valve FI इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 15 BHP एट 8500 RPM। एंड मैक्स टॉर्क की बात करें, तो प्रोड्यूस करता है 14 Nm एट 6500 RPM। वही बात करें पल्सर N160 के, तो इस बाइक में आपको 164.82cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 2-valve ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 16 PS की एट 8750 RPM। एंड मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.65 Nm एट 6750 RPM। दोनों ही बाइकों में आपको 5-speed गेयरबॉक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें दोनों बाइकों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो पल्सर N160 में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, वहीं एक्सट्रीम 160R में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं दोनों बाइकों के सस्पेंशन की। तो एक्सट्रीम 160R में आपको फ्रंट में 37mm के टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे, वहीं रियर की बात करें तो 7-way एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। बात करें पल्सर N160 के सस्पेंशन की, तो इस बाइक में भी आपको 37mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाएंगे, वहीं रियर में आपको मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। बात करें दोनों बाइकों कर्व वेट की, तो एक्सट्रीम 160R का जो कर्व वेट है वो है 139.5 kg। एंड वहीं पल्सर N160 की बात करें, तो इस बाइक का कर्व वेट है 154 kg। एंड बात करते हैं दोनों बाइकों के माइलेज की, जो एक्सट्रीम 160R का कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो है 47 km/L। एंड जो पल्सर N160 का कंपनी क्लेम करती है वो है 148 km/L। तो चलो अब बात करते हैं दोनों बाइकों के टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम की। तो एक्सट्रीम 160R में आपको 180x17 के 17 इंचेस के फ्रंट टायर्स देखने को मिलेंगे, वही रियर में आपको 130x70R17 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। वही बात करें ब्रेक की, तो फ्रंट में आपको 276mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, वहीं रियर में आपको 220mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें पल्सर N160 की, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 180x17 क्रॉस सेक्शन के टायर देखने को मिलेंगे, वहीं रियर की बात करें तो 130x70 17 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो फ्रंट में आपको 300mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, वहीं रियर की बात करें तो 230mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं अब दोनों बाइकों की सीट हाइट की। तो एक्सट्रीम 160R में आपको 790mm की सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, वहीं पल्सर में आपको 795mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। एंड एक्सट्रीम 160R की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो इस बाइक में आपको 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, वहीं व्हील बेस की बात करें तो 1327mm का देखने को मिल जाएगा। बात करें पल्सर N160 की, तो इस बाइक में आपको 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, वहीं इस बाइक का जो व्हील बेस है वो है 1358mm का। सो दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आपको चार्जिंग पोर्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम 160R में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि है हैजार्ड लाइट स्विच। एंड बात करते हैं बाइकों के मीटर कंसोल की, तो एक्सट्रीम 160R में आपको टैकोमीटर, 2 trip meter, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड वार्निंग एंड डिस्प्ले ब्राइटनेस कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पल्सर N160 की बात करें, तो इस बाइक में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, 2 trip meter, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, लो इंजन ऑयल, लो बैटरी एंड साइड स्टैंड वार्निंग जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बाइकों में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पल्सर के साथ जाइए, क्योंकि उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम 160R। लेकिन दोस्तों, उस बाइक का कर्व वेट भी ज़्यादा है। एंड अगर आपको एक फ़न टू राइड मशीन चाहिए, जैसे कि उसका वेट कम हो और इजी टू हैंडल हो एंड माइलेज भी आपको ठीक ठाक दे, जिसकी पूरी लाइट वगैरह LED हो,
तो डेफिनेटली आपको एक्सट्रीम 160R के साथ जाने चाहिए। तो गाइज यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो गाइज लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी एंड किस बाइक का कंपैरिजन आपको चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।